हुई थी तो मेरी नाना ने मेरे बेटू के लिए क्या दिया था, तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं आधा हमने रख दिया है, आधा अभी बचा है, तो चलिए इन सभी को अच्छे से रख देते हैं। और ये देखिए कोको कैसे लेटा हुआ है। अब मेरी बेटू झूले के अंदर कर दी हूँ, जग रही है, लेकिन देखते हैं कब तक, जब तक मैं अपना पूरा ग्रॉसरी का सामान रख देती हूँ अंदर और जमा के सबको, ये क्योंकि ये किचन वाला सामान किचन में पहुँच चुका है और ये सामान दूसरी जगह का है, तो रख देते हैं चलिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स सभी को मैं काउंटर में एक एक सामान किराना का पूरा रखते जा रही हूँ। इससे कह रहा है कि काउंटर खोलेंगे तो पूरा सामान सामने दिख जाएगा, तो सभी को अच्छे से निकाल के रख दे रही हूँ कौन कहाँ पर रखना है। और आधा सामान मेरे ड्रेसिंग में डला हुआ है, चलिए जल्दी जल्दी रख देते हैं। तो ये देखिए काउंटर में मेरा पूरा सामान हो गया है। तो फ्रेंड्स ये है गार्नियर का बरगंडी कलर, मैं पहली बार यूज कर रही हूँ अपने बालों में, देखती हूँ ये बालों में कैसा कलर आता है इसका। हल्का हल्का बैगनी ही आएगा, लेकिन लगा के देखती हूँ क्योंकि मुझे लगाना था धूप में, क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आती। चलिए सभी को खोल लेते हैं पैकेट को। तो इसमें हमने क्या किया है, प्लास्टिक वाली कटोरी ली, प्लास्टिक नहीं फाइबर वाली कटोरी है उसमें ली हूँ। तो ये है उसका वाइट वाला भाग, इसको पहले अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। और ये मेरे इतने सारे बाल हैं लेकिन ये पूरे बालों को हो जाएगा। और ये 40 रुपये का आता है, 40 रुपये वाला छोटा वाला मैं पाउच लेके आई थी। तो इसको पहले मैंने वाइट वाला भाग मिलाया है, अब इसमें हम बरगंडी कलर वाला मिलाएंगे और देखते हैं हमारे बालों में कैसा कलर आता है। आप सभी को ध्यान से हम बताएंगे। तो ये देखिए, और ये जेल फॉर्म में रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए अच्छी तरह से इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जो वाइट है और जेल फॉर्म में था, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक इसमें हल्का सा कलर बरगंडी कलर ना आ जाए। आप लोग भी ऐसे करिएगा और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो आपको बरगंडी, नहीं तो आप मार्केट में जाके कराते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो आप घर में ही अपने कलर को हाईलाइट भी कर सकते हैं, या फिर आप कलर करना चाहें पूरे बाल में तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं अपने बाल में। तो ये देखिए बाल में कहाँ साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे एक दो बाल सफ़ेद भी हो गए हैं, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कलर देगा। ये देखिए हम दोनों साइड लगा लेते हैं और पूरे बालों में ऐसे आपको लगाना है, ब्रश की सहायता से पूरी अच्छी तरह से लगाना है। तो सेम आपको जल्दी जल्दी अपने बालों को एक एक भाग निकाल के अच्छी तरह लगाना है। तो ये देखिए मेरे पूरे बालों में अच्छी तरह से लग चुका है। अब मैं लगा लेती हूँ क्लेचर। तो हमने कलर लगा लिया है बालों में, तो चलिए अब लगा लेते हैं पोछा हाथ से, क्योंकि मैं 6 दिन डंडे से लगाती हूँ तो एक दिन हाथ से ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्यों टाल से गंदी गंदी सी और खिस खिस टाइप की लगने लगती है। तो मैंने किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे सभी को अच्छी तरह से पूरी टाइल्स में लगा लेती हूँ पूरे कमरों में। फ्रेंड्स मेरा पोछा पूरे लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है पूरा पोछा, कोको भी लेट गया है। तो देख लेते हैं बेटू को, बेटू जाग रही कि सो रही, तो उसके बाद चलिए नहा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नहा के निकल आए तो बेटू राम मेरी फिर से जग गई हैं। तो अब बाल को सुखा भी नहीं पाई हूँ, तो बांध ली हूँ दुपट्टे को जल्दी से। तो मैंने बालों में किया था बरगंडी कलर, तो देखती हूँ कलर कैसे आया है बाल में। तो बाल थोड़ी अभी सूख जाए अच्छे से, जब तक बेटू तो मेरी फेडिंग कर रही है, फिर जाके देखती हूँ बाल कैसा कलर आया है। क्योंकि बरगंडी कलर मैंने पहली बार किया नहीं, तो मैं बालों में हमेशा मेहंदी डालती थी, बट इस बार मैंने पहली बार गार्नियर का बरगंडी कलर डाली है, तो देखती हूँ कलर कैसा आता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए बदरिया को मेरे जग गई है, रोने जैसा मुंह बना रही है, ये देखिए ये रोने जैसा मुंह बना रही हैं। ये अभी सो गई थी, नीचे रखने लगी तो उठ गई हैं, नीचे बिल्कुल नहीं पसंद है, अब तो ये रोना चालू हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, कलर अच्छा आया है बट अभी बाल गीले हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप चाहे तो बरगंडी कलर कर सकते हैं, थोड़ी स्टाइलिश लुक भी लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा।
धूप में ना हल्का बैगनी कलर का शाइनिंग करेगा, तो वो बहुत ही प्यारा लुक देगा। तो आप घर में ला के 40 रुपए का आप अपने से बालों में अच्छे से कलर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारे बाल सूख जाए फिर आप सभी को दिखाते हैं, बट अभी तो ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि अभी सूखे नहीं हैं और ठंड हल्का हल्का ठंड का टाइम आ गया है, तो बाल सूखने में भी टाइम लगेगा। और अभी हम धूप में जा नहीं सकते बेटू को छोड़ के, क्योंकि बेटू ना जग रही है 10-10 मिनट में। तो चलिए देखते हैं बाल सूखते, फिर आपको अच्छे से दिखाते हैं। और जब तक तो मैं कर लेती हूँ कपड़े फोल्ड, बेटू सो रही है, नहीं तो मुझे वो कपड़े बिल्कुल नहीं फोल्ड करने देगी। फ्रेंड मुझे लगा मेरी बेटू सो रही है, लेकिन बेटू राम देखिए जग रही है। ये देखिए अब मैं कैसे कपड़े जाके फोल्ड करूँ, अब रोने लगेगी थोड़ी देर में। ये देखिए क्या करूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। देख रहे हैं आप इसको, अब हिचकी आने लगी है, अब थोड़ी देर में पैर रोने लगेगी। तो चले ले लेते हैं गोद में इसको, और इसको फिर सुलाने की कोशिश करते हैं, फिर कपड़े फोल्ड कर देते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, मैं इतनी जल्दी जल्दी मैं 2 मिनट में नहा के निकली हूँ, जल्दी से बाल को धोई हूँ, लेकिन बेटू मेरा कुछ करने नहीं देती है। बेटू अब भगवान जी को, उधर सामने भगवान जी है ना, तो ये भगवान जी को उधर देखती है अधिकतर, है ना बेटू? किसको देख रही बाबू, किसको देख रही है? तो चलिए बेटू को थोड़ी सुला दें। तो फ्रेंड्स मुझे लगा ये भूखा, और बेटू मेरी जब तक सो रही है तो जल्दी से ब्रेड को घी के साथ सेक लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही है नहा के निकली हूँ तो, और इसमें रखा है घी, तो ब्रेड को घी के साथ सेकने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ नमक, थोड़ा सा चाट मसाला रहे, प्याज रहे, और अच्छा लगता है। तो जल्दी से घी के साथ मैं ब्रेड को अपना सेक ले रही हूँ और कंप्लीट कर ले रही हूँ। और जल्दी जल्दी स्पीड भी थोड़ी मैंने बढ़ा दी, और साथ में क्या है बेटू सो रही है ना, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो वो जग जाएगी ना, तो फिर उसके बाद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ, ये मेरे मेरा सेके ये कंप्लीट हो गया। घी के साथ अच्छे से सेक लिया है, तो हमने ले लिया थोड़ा सा नमक प्याज, और ये ले लिया हमने चाट मसाला, क्योंकि ये मुझे चाट मसाला के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से खा लेते हैं। और ये देखिए मेरी बेटू रानी सो रही है, वहाँ मेरा कोको सो रहा है, तो जल्दी से मैं खा लेती हूँ, नहीं तो बेटू मेरी 10 मिनट के अंदर जग जाएगी, फिर खाने भी नहीं देती है। और देखिए मेरे बाल सूख रहे हैं, तो हल्का बरगंडी कलर दिखने लगा है बालों में। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने बालों में अपने बरगंडी कलर लगाया था, तो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट आप जब धूप में जाएंगे तो धूप में बहुत ही अच्छा बरगंडी कलर शाइनिंग करेगा ये। और अभी तो नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा, सूख तो अच्छे से गए हैं, बट आप इस बरगंडी कलर कर सकते हैं अपने बालों के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये देखिए कलर तो हो गया है, बट धूप में ही कलर इसका आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई जरूर करिएगा आप सभी। तो कैसा लग रहा है बाल और ये देखिए, और ये हल्का हल्का शाइनिंग जरूर थोड़ी लाइट से बरगंडी कलर में दिख रहा है, बट आप जब धूप में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा कलर लगेगा। तो अगर सही लगे तो आप कभी करके देखिएगा, बाल बहुत ही प्यारे दिखते हैं इससे। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। हेलो फ्रेंड, तो जब मेरी बेटों की छठी हुई थी तो मेरी नाना ने मेरी बेटों के लिए क्या दिया था, तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ कि मेरी नाना ने मुझे क्या दिया था। तो मेरे लिए जो दिया था, तो ये मेरे लिए साड़ी दी थी मेरी नाना, साड़ी बहुत ही प्यारी है, तो आप सभी को दिखा देती हूँ। तो मेरी नाना ने मुझे साड़ी दी थी, चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये साड़ी है, ऐसी है साड़ी, ये फ्लावर प्रिंट में साड़ी है, और गोल्डन कलर का इसमें बीच बीच में बना है फ्लावर में। तो ये साड़ी मेरी नाना ने मुझे दिया था छठी के दिन। और आपको अब दिखाती हूँ कि मेरी बेटी के लिए मेरी नाना ने क्या दिया था, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। क्योंकि तो छठी के दिन बेटी को, क्योंकि अब बेटू अभी कोई कोई भी चीज़ ऐसा क्या है कि अभी बहुत छोटे छोटे हाथ हैं, पैर को कुछ भी है तो वो पहन नहीं पाता है, इसलिए मैं उसको धागा पहना के रखती हूँ काली मोतियों से। तो चलिए साड़ी को रख देते हैं,
और आप सभी को दिखाते हैं कि दीदी ने क्या दिया था। सोना दी थी कि चांदी दी थी, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसमें लाइन थी, तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि दीदी क्या दी थी मेरे बेटू के लिए। अब बेटू मेरी अभी सो रही है, जिसके कारण मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक ये है डिब्बी और एक ये है, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। कितनी टाइट डिब्बी है खुलने की, तो ये देखिए। तो दीदी मेरी बेटू के लिए सोने का कंगन लाई थी, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये सोने के कंगन है बेटू के हाथ। तो बेटू जब मेरी 6 महीने की हो जाएगी, जब इसको मैं पहना सकती हूँ, क्योंकि अभी ये छोटी है, तो अभी क्या है उसके हाथ में ये ढीले पड़ रहे हैं, इसलिए अभी इसको हमने नहीं पहनाया है। तो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, अच्छे हैं। चलिए अब दिखाते हैं और क्या दी हैं। और दूसरा दीदी दी है मेरी, अरे देखिए तो डिब्बी टाइट है। दूसरा दीदी बेटू के लिए दी हैं, ये देखिए छोटी छोटी पायल, ये छोटी छोटी पायल। तो पायल भी बेटू के पैर में अभी नहीं आ रहे हैं, पैर से निकल जाएंगे। अरे बेटू थोड़ी सी बड़ी होगी जब हम बेटू को ये सब पहनाएंगे। तो ये देखिए, तो दीदी 6ठी के दिन बेटू के लिए पायल और कंगन लेके आई थी, जो भी इसको हमें पहना सकते हैं। इसको हम 6 महीने के बाद ही पहना सकते हैं, क्योंकि अभी बेटू बहुत छोटी है, उसके हाथ से अभी ये सब निकल जा रहे हैं, तभी कुछ भी पहन नहीं पा रही है। तो 6ठी में हमारे लिए दीदी ये ला के दी थी। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कंगन की डिज़ाइन चाहिएगा तो वो भी बताइएगा, इसकी फ़ोटो अलग से मैं आपके लिए भेज दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।